दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फोन से ही अपने YouTube चैनल के वीडियो वाटरमार्क को कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर कैसे चेंज कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब किसी का वीडियो प्ले होते हैं तो एकदम नीचे राइट साइड में एक आइकॉन या फिर लोगो बोल सकते हैं ऐड किया हुआ रहता है, जिस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन भी आता है। तो इसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर कैसे चेंज कर सकते हैं अपने फोन से, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास मजी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन पर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको आ जाना है क्रिएटर स्टूडियो में, और क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जिस आईडी पर आपका चैनल बना हुआ है। तो जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने जो पहला पेज ओपन होगा वो रहेगा चैनल डैशबोर्ड। इस पेज में आने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देगा। इसमें आपको एकदम नीचे आ जाना है और कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने चैनल कस्टमाइजेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, पहला है लेआउट का, दूसरा है ब्रांडिंग का और तीसरा है बेसिक इन्फो का। तो आपको क्लिक करना है ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग में आने के बाद अगर आप एकदम नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है वीडियो वाटरमार्क का, और उसके साइड में आपको 2 ऑप्शन है चेंज और रिमूव। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज में क्लिक कर सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको रिमूव में क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे एंड ऑफ वीडियो लगाना चाहते हैं, कस्टम स्टार्ट टाइम में लगाना चाहते हैं या फिर एंटायर वीडियो में लगाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो को एकदम नीचे राइट साइड में शो करता है ये जो वाटरमार्क है। तो कैसे करना है आपको, आपको यहाँ पे अगर ऐड करना है या फिर चेंज करना है तो आपको चेंज में क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही चेंज में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी ओपन होने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक फोटो को चूज कर लीजिए। फोटो चूज करने के बाद आपको डन में क्लिक कर देना है। तो आप जैसे डन में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने क्रॉप का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ से क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद आपको डन में क्लिक कर देना है। तो जैसे डन में क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ से फोटो आपका ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है कि आप वीडियो के एंड में लगाना चाहते हैं या फिर कस्टम स्टार्ट टाइम के हिसाब से लगाना चाहते हैं या फिर फुल वीडियो पे लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो में ऐड हो तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, इंटीरियर वीडियो। और इसके बाद आपको आ जाना है एकदम टॉप में राइट साइड में, और यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा ये जो इमेज है वो आपके वीडियो वाटरमार्क में ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने फ़ोन से ही अपने चैनल के जो वीडियो वाटरमार्क है उसे चेंज भी कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।